नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद एक ओर जहां भारत अपना सख्त रुख अपना रहा है, तो वहीं पाकिस्तान एक तरफ डरा हुआ भी है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दरवाजे भी खटखटा रहा है और इस मुद्दे पर दुनिया के अन्य देशों से बातचीत भी कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले परमाणु हथियार पर भारत की नीति में भविष्य में परिवर्तन के संकेत देने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक बार फिर पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब अगर पाकिस्तान के साथ बात हुई तो फिर वो पीओके पर ही होगी। राजनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया ताकि वहां पर विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे खटखटा रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि भारत ने गलती की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वे आतंकवाद को मदद करना बंद कर देगा। हरियाणा के पंचकुला में रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि भारत बालाकोट हमले से भी बड़ी तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पीएम ने यह मान लिया है कि भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण में कहा कि अभी तक हमारी न्यूक्लियर को लेकर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की रही है, लेकिन भविष्य में क्या होता है यह हालात पर निर्भर करेगा। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि पोखरण वह क्षेत्र है जिसमें भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए अटल जी के दृढ़ संकल्प को देखा है और अभी तक नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन भी किया है। भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद वह लोगों को अपने रहते पीओके के भारत में शामिल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि यह हमारे जीवन काल में हुआ है, यह हमारी तीन पीढ़ियों के बलिदानों से हुआ है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद आइए हम पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और इसे संसद में सर्वसम्मानित से पारित प्रस्ताव के अनुसार देश का अभिन्न अंग बनाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि हम देश के साथ पीओके को देख सकें और मुजफ्फराबाद में आसानी से जा पाएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सिटी पोस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।